स्टूडेंट्स प्रोटिस्टा में फर्स्ट आज हम डाइनोफ्लेजुलेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट डाइनोफ्लेजुलेट्स नाम से ही पता चल जाता है कि डाई यानी दो फ्लेजिला यानी दो फ्लेजिला इनके प्र, अंदर प्रेजेंट है ओके प्रोटिस्टेंट्स विथ टू फ्लेजिला इसके डिवीजन है पायरोफाइटा क्लास है डाइनोफाइसी ठीक है डिवीजन एंड क्लास याद रखना है पायरोफाइटा एंड क्लास है डाइनोफाइसी ओके okay. इसका हैबिटेट स्टूडेंट्स डायनोफ्लैजलेट है वो मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो भी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ओके स्टूडेंट्स मैंने बोला था आपको कि जो प्रोटीसटन है वो प्लांट लाइक फंगस लाइक एंड एनिमल लाइक है ठीक है सो so, ये डायनोफ्लैजलेट्स और इसके बाद जो क्राइसोफाइट्स है डायटम्स हैं ओके वो दोनों प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनका जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो होलोफाइटिक होगा है ना फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है इसके सेलवॉल की बात करें हम स्टूडेंट्स तो सेलवॉल है वो दो प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है ठीक है और वो सेल्यूलोस का बना हुआ है स्टूडेंट्स अगर उसका उसका हम डिटेल में अपेरेंस देखें तो वो आर्मर शेप का है है ना तो उसकी वजह से ये जो डायनोफ्लेजलट्स है उनको आर्मर्ड आलगी भी बोलते हैं ओके okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाया हुआ है कि दो प्लेट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और वो सेल्यूलोस का बना हुआ है ओके okay. और स्टूडेंट्स इनके अंदर दो फ्लैजेला है एक ट्रांसफर्स फ्लैजेला है और दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला है ओके okay. स्टूडेंट्स मैंने बोला आपको अभी कि फ्लैजेला दो है एक ट्रांसफर्स है एंड एक लॉन्जिट्यूडिनल है ठीक है अब ये जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला है स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स फ्लैजिला एंड लॉन्जिटूडनल फ्लैजिला इसकी वजह से उनका जो मूवमेंट है वो वर्लिंग व्हीप जैसा है व्हीप यानी चाबुक है ना तो चाबुक जैसे चलता है वैसा ही इनका मूवमेंट है तो वो मूवमेंट को हम वर्लिंग वीप्स बोलेंगे ठीक है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कि प्लॉयडी लेवल यानी क्रोमोजोम के सेट कितना है स्टूडेंट्स तो डायनोफ्लैजुलेट्स है वो हैप्लॉयड है उनके अंदर क्रोमोजोम का एक ही सेट प्रेजेंट है ठीक है और स्टूडेंट्स इनको पैकिंग के लिए इनके अंदर डीएनए को पैकिंग की ज़रूरत होती है तो इनके अंदर जो पैकिंग के लिए जो प्रोटीन यूज हुए हैं वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स तो वैसे ही एक्चुअल में ये यू कैरियोटिक सेल है है ना यू कैरियोटिक सेल है इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है स्टूडेंट्स ठीक है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि डीएनए ना डीएनए का जो पैकिंग है ना वो हिस्टोन से हुआ होता है ठीक है इसमें हिस्टोन का पैकिंग नहीं है तो इसका जो न्यूक्लियस है ना स्टूडेंट्स वो प्रो कैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल एंड यू कैरियोटिक सेल ठीक है ये दोनों के बीच का न्यूक्लियस है है ना तो इसकी वजह से इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे मेजो कैरियोट इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम मेजो कैरियोट बोल सकते हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस का टाइप है वो मेजो कैरियोट टाइप ऑफ न्यूक्लियस है ओके स्टूडेंट्स पिगमेंट्स की बात करें हम तो पिगमेंट्स याद रखना है क्लोरोफिल ए स्टूडेंट्स क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट ही होता है ठीक है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है इसके साथ दूसरा क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है और जेंथोफिल प्रेजेंट है ठीक है जेंथोफिल में भी डाइनोफ्लेज के अंदर प्रेजेंट है डायनोजेंथिन या फिर डाई दाइ डाइनोजेंथीन ठीक है तो ऐसे दो टाइप के जेंथोफिल प्रेजेंट है डायनोजेंथीन एंड डाई डाइनोजेंथिन स्टूडेंट ये पिगमेंट के अमाउंट के हिसाब से इसका इन लोगों का कलर डिसाइड होता है ठीक है सो so, डाइनोफ्लेजिलिट्स है उनके अंदर ये जो जेंथोफिल है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है ओके और इनके जो कलर्स हैं उनमें वेरिएशन दिखता है पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है सो so, येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं स्टूडेंट्स ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड ये सारे कलर के डायनोफ्लैज पाए जाते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ये लोग फोटो सिंथेसिस कर रहे हैं और फोटो सिंथेटिक जो मटीरियल जो स्टोर हो रहा है उसका नाम स्टार्च है स्टार्च इनके अंदर स्टोर हो रहा है ठीक है फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है ए सेक्शुअल रिपोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेनली हो रहा है इसके अंदर ओके एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रेयरली हो रहा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो ज़्यादातर हो रहा है वो बाइनरी फ्यूज है बाइनरी फिजन आपको मालूम है एक में से दो सेल फॉर्म हो रहा है ठीक है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो इनके अंदर हैपलोंटिक लाइफ साइकिल होगा क्योंकि आगे हमने देखा कि ये जो डाइनोफ्लैजलिट्स है उनका प्लॉयडी लेवल एल एन है एक ही एक ही सेट है क्रोमोजोम का ठीक है तो उसकी वजह से इनके अंदर जो मियोसिस होगा वो जाइगोट का होगा ठीक है स्टूडेंट्स और जो लाइफ साइकिल है वो इनके अंदर हैपलोंटिक लाइफ साइकिल होगा ठीक है अगर ये भी इसमें कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियो में आप जा सकते हो और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने मैंनेपलोंटिक लाइफ साइकिल एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है स्टूडेंट्स अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमको एग्जाम्पल याद रखने एक नोकटील्यू का है ठीक है एक सैरेशियम है गोनियोलक्स है एंड जिम्नोडियम है ठीक है सो so, ये चार एग्जाम्पल हमको याद रखना है नोकटिल्यू का सैरेशियम गोनियोलक्स एंड जिम्नोडियम स्टूडेंट्स इनमें बायोल्युमिनस का प्रॉपर्टी प्रेजेंट है बायोल्यूमिन यानी वो रात को शाइन करते हैं ठीक है तो उसके एग्जाम्पल्स याद रखना एक तो नोकटीलुका एंड गोनियोलक्स है ना गोनो याद रखेंगे गोनो कि उनके अंदर इनके अंदर बायोल्यूमिनन्स प्रेजेंट है कि वो नाइट में जो ब्लाइट होता है ना शाइन होता है ठीक है स्टूडेंट्स दूसरा हम गोनियोलक्स के बारे में याद रखेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन पावर जो है स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा है है ना तो ये सेल सरफेस पे जल्दी से स्प्रेड हो जाता है ठीक है और उनकी वजह से हाँ हम आ, 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 जो रेड टाइड जो नाम दिया हुआ है हाँ, सी सरफेस को जो रेड टाइम रेड टाइड नाम दिया हुआ है रेड टाइड्स दिखते हैं वो गोनीोलक्स की वजह से दिखते हैं क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत ही ज़्यादा और सी सर्फेस पूरा रेड कलर से भर देता है ओके सो गोनियोलक्स वो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो याद रखना है फिर स्टूडेंट्स गोनीोलक्स में और एक गोनियोलक्स एंड जिम्नोडियम ये दोनों ये दोनों टॉक्सिक मटेरियल सिक्रिएट कर रहे हैं ओके और ये जो टॉक्सिक मटेरियल है है ना वो टॉक्सिक मटेरियल को बोलेंगे सेक्सी टॉक्सिन ठीक है ये जो टॉक्सिक मटेरियल है वो फूड चेन में आ जाता है ना कि ये जो टॉक्सिक मटेरियल सिक्रियट करेंगे वो क्योंकि ये जो डायनोफ्लैजलिट्स हैं ये सब प्रोटीस्टा है उसको हम फाइटोप्लैंकटोन्स बोलेंगे ठीक फाइटो है और फाइटोप्लैंगटोन्स किसका फूड मटेरियल है स्मॉल फिश का स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाते हैं ठीक है तो ऐसा ही पूरा फूड चेन में आ जाता है टॉक्सिक मटीरियल है ना और अगर वो फूड चेन में होते होते अगर ह्यूमन में पहुँच गया जैसे कि फ़िश में गया फिश में से ह्यूमन में गया तो ह्यूमन में पैरालिसिस होने के चांसेज है ठीक है पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओके okay, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स दूसरे दो हम याद रखेंगे जो नोपटीलुका है उसको हम सी गोस्ट भी बोलेंगे सी गोस्ट एंड जो डायनोफ्लैज है स्टूडेंट उनका दूसरा नाम फायर आलगी भी है ठीक है तो ये सब नाम हमको याद रखना है स्टूडेंट्स अब सेकेंड डिवीजन की बात करें हम क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स ठीक है तो ये जो क्राइसोफाइट्स है क्राइसोफाइटा है उनका हैबिटेट तो स्टूडेंट्स ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है एंड मराइन वाटर में भी प्रेजेंट है जो डायनोफ्लेजेलेट्स थे वो सिर्फ मराइन वाटर में प्रेजेंट है ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स इसके शेप की हम बात करें तो सारे शेप्स इनके अंदर प्रेजेंट है ठीक है सर्कुलर रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर इलांगेटेड बोट शेप सारे शेप्स इनके अंदर पाए जाते हैं इनके सेलवॉल की हम बात करें सेल वॉल सेल्यूलोज एंड सिलिका का बना हुआ है ठीक है तो इसकी वजह से इसको हम सिलिकेटेड सेल वॉल भी बोलेंगे सेल वॉल के जो सेल वॉल है उसमें सिलिका एम्बेडेड है ठीक है स्टूडेंट्स ये जो सेल वॉल है वो सेल्युलज का बना हुआ है लेकिन इसके अंदर जो सिलिका के पार्टिकल्स है वो यहाँ पर एम्बेडेड है ठीक है स्टूडेंट्स तो सिलिकेटेड सेल वॉल बोलेंगे उसको शैल भी बोलते हैं या फिर फ्रस्ट्यूल भी बोलते हैं है ना तो ये भी इसके दूसरे नाम है याद रखना है ओके okay. स्टूडेंट जो सेल वॉल है वो दो पार्ट के अंदर प्रेजेंट है है ना दो हॉल्स में प्रेजेंट है लाइक सोप बॉक्स तो अगर इसका सेल वॉल हम देखें स्टूडेंट्स तो ऐसा प्रेजेंट है ना जैसे कि सोप बॉक्स होता है यहाँ पे हमारा सोप पड़ा हुआ है तो ऐसे दो हॉल्स के अंदर प्रेजेंट है ओके सोप बॉक्स जैसा अपीयरेंस है इसका वॉल स्टूडेंट्स हार्ड है क्योंकि उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है अब स्टूडेंट्स सपोज ये डाइट ये जो क्राइसोफाइट्स हैं है हाँ ना डाइटम्स अगर अगर आ, इनकी डेथ हो गई ठीक है तो इनके डेथ के बाद इनका डीकम्पोजिशन हो जाता है लेकिन सेलवॉल के अंदर जो सिलिका प्रेजेंट है स्टूडेंट्स ओके सेलवॉल के अंदर जो सिलिका प्रेजेंट है ना उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है हाँ ना तो उसकी वजह से जो सेलवॉल है स्टूडेंट्स वो सी के बॉटम में लाइक स्टोर हो रहा है डिपोजिट हो रहा है ठीक है और ये मिलियन ईयर से हो रहा है जब से ये इवोल्यूशन में आया हुआ है है ना तो जो लाइक जो सी का बॉटम है वहाँ पे एक लेयर सा बना हुआ है उसको हम बोलेंगे डाईटमाइट है ना जो क्योंकि ये सेल्वोल का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है सिलीका का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ और सी के बॉटम में वो डिपोजिट हुआ है उसको हम बोलेंगे डाईटमाइट या फिर और, और एक नाम दिया हुआ है डाय एटोमेसियस अर्थ या फिर केसेल गु ऐसे तीन नाम याद रखना है ठीक है डायटोमाइट डाइटमेसियस अर्थ एंड केसेल गु स्टूडेंट्स इनकी प्लॉइडी की बात करें तो ये डिप्लॉइड है आगे जो हमने पढ़ा डायनोफ्लेजेलेट्स वो हैप्लॉइड थे ओके ये तो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स डिप्लॉयड है टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट है ओके एक मैटरनल सेट होगा एक पैटर्नल सेट होगा इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला कि डायनोफ्लेजलेट्स एंड क्राइसोफाइट्स ये दोनों प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टन है ठीक है तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके पिगमेंट्स की बात करें हम क्लोरोफिल यूनिवर्सल पिगमेंट है सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा इसके अलावा क्लोरोफिल सी इसके अंदर प्रेजेंट है एंड जेंथोफिल है ठीक है यहाँ पे जेंथोफिल का टाइप है स्टूडेंट्स वो फ्यूकोजेंथिन है डाइनोजेंथिन डायडाइनोजेंथिन नहीं है फ्यूकोजेंथिन और इसकी वजह से इनका जो कलर है वो गोल्डन कलर का हो क्राइसोफाइट्स है उनका कलर गोल्डन कलर का हो सकते हैं ठीक है स्टूडेंट से फोटो सिंथेसिस कर रहे हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट है, यानी वो फोटो सिंथेसिस कर रहा है है ना तो स्टूडेंट से फोटो सिंथेसिस कर रहा है तो लाइक जो ये डाइटम्स क्राइसोफाइट है क्राइसोफाइट्स है ना उनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस बोलेंगे ठीक है क्योंकि ये चीफ प्रोड्यूसर्स इसलिए है क्योंकि इनको लाइक इनके ऊपर डिपेंडेंट है छोटी फिश वगैरह है ना तो ये जो फूड चेन है उसमें प्रोड्यूसर्स है चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशन के अंदर ठीक है अब हाँ, फोटो हो रहा है तो इनके अंदर फूड मटेरियल भी स्टोर होगा और जो फूड मटेरियल स्टोर हो रहा है उसको हम बोलेंगे ल्यूकोसिन उसको नाम दिया हुआ है ल्यूकोसिन क्राइसोफाइट्स के अंदर है तो क्राइसोलैमिनारिन एंड इनके अंदर फैट्स ऑयल जो उनके ड्रॉपलेट्स भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? आगे स्टूडेंट्स इनकी मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम तो इमोटाइल है नॉन मोटाइल है क्योंकि इनके अंदर फ्लेजेला नहीं है ठीक है अब फ्लेजेला नहीं है तो स्टूडेंट्स ये स्विम नहीं करेंगे है ना जैसे कि आगे हमने डायनोफ्लेजेलेट्स में देखा उन वहाँ पे फ्लेजिला दो फ्लेजिला प्रेजेंट है और चाबुक जैसा वर्लिंग वीप जैसा उनका मोवमेंट है लेकिन यहाँ पे फ्लेजिला नहीं है तो स्टूडेंट्स वो फ्लोट करेंगे स्वीप नहीं करने वाले सरफेस पे ऐसे ही पड़े रहेंगे और वो जो वाटर करंट है उसके साथ ये फ्लोट होने वाले है ना वाटर सरफेस पे ठीक है और वो फ्लोट होंगे तो फ्लेजिला नहीं है प्लस इनके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है ना तो उसकी वजह से फ्लोट होंगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखना है रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन में हमको याद रखना है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा ए सेक्शुअुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो बाइनरी फिजन तो होने ही वाला है और दूसरा स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ए सेक्शुअल स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है वो स्पोर का नाम हम याद रखेंगे ऑग्जो है ठीक है उस पोर का नाम ऑग्जो है याद रखना है सेकेंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स वो रेयरली uh, हो रहा है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमको प्लॉयडी याद रखना है स्टूडेंट्स ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर लाइफ साइकिल कौन सा होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा ओके okay? और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस किसका हो रहा है वो हमको याद रखना है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस हो रहा है है ना गैमेट मियोसिस की प्रोसेस से फॉर्म हो रहा है तो गैमेटिक मियोसिस हो रहा है ओके फिर स्टूडेंट्स हम डाईटम्स की यूजेस की बात करें तो डाईटम्स है वो साउंड प्रूफिंग एजेंट है क्योंकि जो डाईटम्स है आगे मैंने बोला कि इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से बना हुआ है सिलिकेटेड सेल वॉल है उनकी डेथ हो जाएगी तो सिलिका का जो सेल वॉल है उसका डिकम्पोजिशन नहीं होने वाला है सिलिका का डिकम्पोजिशन नहीं होगा ठीक है और वो वो जो सिलिका है वो नीचे जाके बैठ जाएगा ओशन्स की जो बॉटम सरफेस है वहाँ पे है ना तो वो जो मटेरियल है डायटोमाइट मटेरियल है ठीक है डायटोमेसियस अर्थ का जो मटेरियल है वो साउंड प्रूफिंग एजेंट के तरह पे यूज़ होता है ठीक है फिर उसमें सेल वॉल है उसमें सिलिका एम्बेडेड था है ना तो उसकी वजह से छोटे छोटे पोर्स जनरेट होंगे सेल वॉल के अंदर और उसका डिपोजिशन नीचे हुआ है ठीक है तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप के लिए भी यूज़ हो रहा है स्टोन पॉलिशिंग स्टोन पॉलिशिंग के लिए भी ये यूज़ हो रहा है ठीक है एंड हीट इंसुलेटर है यानी जो बॉयलर में बॉयलर की जो वॉल होती है उसके अंदर भी ये डायटमेसियस अर्थ से मटेरियल निकाल के यूज़ करता है ठीक है तो बॉयलर के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट बाहर नहीं आती है है ना तो ये सब इसके यूजीज़ हैं ठीक है स्टूडेंट्स